नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गृह युद्ध के आसार जो हमारे देश के अंदर बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं। जी हां, क्योंकि हमारे देश के अंदर आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में पत्थरबाजी चल रही है, और ये क्यों चल रही है, कौन चला रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर राज्य के अंदर, खासकर जो गैर भाजपा शासित देश हैं, यानी कि जहां पे कांग्रेस या आप पार्टी है, वहां पर जो है पत्थरबाजी ज़्यादा होती है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या कारण है। आज ये जो कारण है आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, और गैर भाजपाई शासित देशों के अंदर जो ये पत्थरबाजी होती है वो क्यों होती है और कौन करा रहा है। क्योंकि भाजपा शासित देशों के अंदर, प्रदेशों के अंदर आप देख रहे होंगे कि योगी जी का इस वक्त ज़बरदस्त बुलडोजर चल रहा है, और सही तरीके से कानून की एक गरिमा को बनाए रखे हुए है। क्योंकि जिस तरीके से कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है यूपी के अंदर, योगी जी कर रहे हैं, ऐसा सभी प्रदेशों के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि सब अपनी तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो कर रहे हैं। इस तुष्टिकरण की राजनीति के चलते वो लोग जो हैं अपना वोट बैंक देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ पर है, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने आज यूपी को नंबर वन बना दिया है कि कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, किसी ने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी है रोड के सड़क के ऊपर, और किसी ने किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं किया है ईद के मौके पर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जागीरपुरी के दंगे हुए, फिर उसके बाद राजस्थान में अलवर में हुए, इस तरह से करते करते आप देख रहे हैं कि जोधपुर तक ये दंगे पहुंच गए हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये हो क्यों रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे देश के अन्य पार्टी हैं वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा हम और आप नहीं होने देंगे। क्योंकि बीजेपी सभी के लिए बराबर कानून ला रही है, सभी के लिए जो कानून, जैसे CAA या NRC का जो कोशिश कर रहे थे लाने के लिए, एक बार ये तो मालूम पड़े कि NPR बने या NRC हो, तो उससे ये तो पता लगे कि हमारे देश के अंदर कितने लोग कौन हैं। जिस तरीके से अब हमारे देश में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, चाहे वो आसाम में ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश में ले लीजिए, वेस्ट बंगाल में, चाहे आप राजस्थान में ले लीजिए, चाहे आप पंजाब में ले लीजिए, पत्थरबाज हर जगह अवेलेबल हैं। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो पत्थरबाजी हो रही है वो क्यों हो रही है और कौन कर रहे हैं। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है। पत्थरबाजी कर रहे हैं PFI, आपने नाम सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के अंदर काफ़ी समय से इस वक्त चलन में है, और काफ़ी समय से ये लोग जो हैं जगह जगह पर अपने कैंप लगा करके अपने जो ग्रुप है उनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि PFI के एजेंट जो हैं हर स्टेट के अंदर सक्रिय हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्योंकि पीछे जो यूपी में दंगे हुए थे तो भी PFI ने कराए थे, और जो दिल्ली के अंदर भजनपुरा कांड हुआ था तो भी PFI ने ही कराया था। और आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले PFI ने जयपुर के अंदर एक अपना स्थापना दिवस मनाया था, जयपुर या जोधपुर के अंदर शायद मनाया था, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने जो है इस तरह की जो है घटना को अंजाम दिया था, कि वहाँ ये जोश दिखाया था कि अगर RSS है तो RSS के साथ साथ हम भी हैं, हम भी RSS के मुकाबले खड़े हो सकते हैं और खड़े हैं, और अगर कुछ भी मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी होता है तो वो अपनी एक ताकत दिखा रहे हैं, और वैसे जैसे लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, PFI को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी और भी कोई मुस्लिम लोग हैं जो इस तरह के संगठन बना करके PFI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है हमारे देश के अंदर। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके PFI जो है,
हर राज्य में सक्रिय है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि CAA प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त जो पूरा सक्रिय था PFI, और जिस तरीके से हर मस्जिद के अंदर आपको PFI के एजेंट मिल जाएंगे, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि हमें सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि हर मस्जिद में PFI के एजेंट आपको मिलेंगे। PFI एक तरह से पूरे देश के अंदर हर मस्जिद के अंदर फैल गई है। ये जो है एक सेना इन्होंने बनाई है, एक इन्होंने संगठन बनाया है, और ये पूरे देश के अंदर जो है फैल गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर हम तुरंत कार्रवाई करें तो अच्छा रहेगा। सरकार से, गृह जो मंत्री हैं हमारे अमित जी, हम उनसे, अमित शाह जी से गुजारिश करेंगे कि PFI को जितना जल्दी से जल्दी इसको रोका जाए और इसको बैन किया जाए भारत के अंदर, उतना जल्दी भारत के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से PFI एक संगठन का, बड़े संगठन का रूप ले रही है, वो आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आजकल जितनी भी ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पत्थरबाजी का, कि हम पत्थर मार मार के कितना जो है एक हिंदू और मुस्लिम भड़का सकते हैं। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम भड़कें और हम हर जैसे कि जिले में या हर राज्य में या हर कॉलोनी में मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर PFI के एजेंट है, वहाँ पर जो है ये काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, इकट्ठा होकर के रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए, हमारे देश के अंदर, हम खुद हिंदू, जितने भी हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, क्योंकि ये क्या है कि सबके सब लोग खतरे में हैं, सब एक दूसरे को वार करने को बैठे हुए हैं, और PFI जो है वो दंगा भड़काती है और फिर हिंदू मुस्लिम कराती है। ये BJP का कोई इसमें रोल नहीं होता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI है, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमें इसको देखना होगा। और मैं सरकार से एक गुजारिश और करूँगा कि जिस तरीके से मदरसे चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। मदरसों को बंद करने के बाद एक कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, मैं काफ़ी वक्त से बोलता आ रहा हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन का जिस दिन हमारे देश के अंदर सक्रिय कार्य हो जाएगा और वन नेशन वन एजुकेशन जो है हमारे देश में स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दिन हमारे देश का जो है एक कहते हैं कि नवोदय, नवा उदय हो जाएगा और हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मदरसों में कट्टरता पढ़ाई जाती है, और आपने देखा हो कि देवबंद में जो उलेमा का जो इनका मदरसा है वो बहुत ही ख़तरनाक है, उसमें काफ़ी लोग जो है आतंकवादी बनकर भी निकले हैं और जो कि गतिविधियों में पाए गए हैं, और अभी भी वहाँ पर जो है एक कट्टरता ही पढ़ाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ कि आपका अल्लाह ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये जो है देश के अंदर स्थिरता नहीं आएगी, और देश को हमें PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके तहत इसको रोकना होगा। अगर इस पर बैन नहीं किया तो आने वाले वक्त के अंदर ये जो है भारत के अंदर जो है गृह युद्ध की संभावना बढ़ रही है, और बहुत जल्दी ये होने वाला है। क्योंकि अभी भी अमित शाह जी ने जो बोला है कि CAA लागू कर रहे हैं कोरोना के बाद में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के बाद लागू होगा, लेकिन कोरोना से पहले ही ये लोग जो है अपने आप में संगठन बना करके और ये धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी तो अमित जी ने बोला है, और ये कब बैठ जाएं धरने प्रदर्शन पर तो नहीं कह सकता। तो इसलिए हमारी जो है सुरक्षा को चाकचौंध रहना होगा, और सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। सुरक्षा के मद्देनज़र हमें हर चीज़ को देखना होगा कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, या कहीं भी ऐसा संगठन ना बने जो कि ये आने वाले वक्त के अंदर दूसरा शाहीनबाग या अपना भजनपुरा कांड जैसा कोई केस ना बने। जी हाँ, तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरीके से आप इसको रोकने की कोशिश करें, और जो ये PFI का एक संगठन बना हुआ है इसको तुरंत बैन किया जाए, और जल्दी से जल्दी बैन किया जाए। क्योंकि जब तक ये बैन नहीं होगा तब तक हमारे भारत देश के अंदर ना तो शांति मिलेगी, और ना ही यहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है ना ही ये बंद होगी। क्योंकि पत्थरबाजी अगर करने वाला कोई है तो वो है PFI। PFI के मैं खुल के बोलता हूँ, जो कि मुझे सूत्रों से खबर जो मिली हुई है और जो मुझे सबूत मिले हुए हैं वो पूरे पक्के हैं, और PFI के एजेंट के थ्रू ही सारी कार्रवाई की जा रही है। हर मस्जिद में PFI के एजेंट बैठे हुए हैं, और ख़ासकर हमारे दिल्ली के अंदर तो हर जगह बैठे हुए हैं। दिल्ली के साथ साथ जिस तरह से केजरीवाल साहब जो है मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हैं, ये सब बंद करना चाहिए। उनके हमारे मंदिरों के अंदर जो
पुजारी बैठे हैं उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ एक जो मस्जिद में मौलाना बैठा है बस उनके बारे में सोचते हैं कि भाई किस तरीके से इनके पास में तनख्वाह जानी चाहिए, ये खुश रहना चाहिए, हमारा वोट बैंक जो है वो यही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अखंड भारत के टुकड़े हो करके ये छोटा भारत बन चुका है, और अभी भी जो मांग की जा रही है कि भारत के टुकड़े करने हैं, और किस तरीके से टुकड़े करने हैं ये आप भी जानते हैं कि जो ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो है डेली आप देख लीजिए कि कितनी वारदातें हो रही हैं और किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है कि अलवर से लेकर के यानी कि यूपी के छोर से लेकर के मध्य प्रदेश के छोर से लेकर के और पाकिस्तान के छोर तक ये जो है मुद्दा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी लोग जो है इस तरह का ये कार्रवाई करा रहे हैं, इस तरह की जो है गतिविधियाँ भारत में जो हो रही हैं, ये इसमें पाकिस्तान और पीएफआई का जो पीएफआई के एजेंट हैं उनका हाथ है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी तरीके से पीएफआई को बैन किया जाए, और जब तक इसको बैन नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश के अंदर ये जो पत्थरबाजी है और ये गृह युद्ध के जो पूरे आसार हैं ये बनते नजर आ रहे हैं, इसको जितना जल्दी हो सकता है बंद किया जाए, मदरसों को बंद किया जाए। और जिस तरीके से मस्जिद के अंदर अगर एक मौलाना है तो एक मौलाना ही रहे वहाँ पे, यानी कि हज़ारों की तादाद में सारे जाकर के वहाँ रहना शुरू कर दें जो बांग्लादेशी बाहर से आ रहे हैं, इनको एनआरपी एनआरसी और सीए के माध्यम से इनको बाहर किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरी अपील है अमित शाह जी से कि अमित शाह जी आप प्लीज़ इस मुद्दे को सोचे समझे और बहुत ही गंभीरता से इसको लेते हुए आप पीएफआई एज ए जो पीएफआई संगठन जो है इसको बैन कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है बैन कीजिए, चूँकि ये आने वाले वक्त के अंदर गुजरात में और राजस्थान के अंदर ये तबाही मचाने वाले लोग हैं जो हमें सूत्रों से खबर मिली है। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पीएफआई को बैन किया जाए और जितना जल्दी हो सकता है इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास जो सूचना मिली थी, जो मुझे अपने सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, वो मैंने आपको साझा की है, और जल्दी ही किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।